हम लोगों का जीवन धन्य होगा, तो इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि कल जिस प्रकार से हुआ ठीक उसी प्रकार आज के दिन भी संध्या काल में हम लोग कि वैष्णवों के मुखार से हम लोग सुनेंगे। आज जो है बहुत ही शुभ तिथि है, विशेष करके श्री राधाष्टमी के उपलक्ष्य में श्री राधाष्टमी तिथि संबंधित जो दो तीन दिन के महोत्सव में आज का दिन जो है श्री ललिता देवी के जन्म में, ठीक है, जिसको हम श्री ललिताष्टम सप्तमी के रूप में हम लोग मनाते हैं। श्री ललिता जी जो हैं, श्री राधा जी और श्री कृष्ण दोनों से बड़ी, श्री राधा जी और श्री कृष्ण दोनों से ही श्री ललिता देवी जो हैं बड़ी, श्री राधा जी से वो 21 दिन और श्री कृष्ण से भी वो बड़ी, फिर भी हम केवल एक दिन पहले ही मनाते, ठीक है, कारण क्या है, होना तो चाहिए 21 दिन पहले, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी ने श्री गुरुदेव से पूछा गया ये प्रश्न, पूज्य भक्तिवेदांत श्री माधव महाराज बार बार पूछते थे ये प्रश्न, तो श्री गुरुदेव जो हैं जो जवाब देते थे, जो मैंने सुना है कि पूज्य पाद जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी जो हैं वो ठीक से कौन सी तिथि है उसका शास्त्र के शास्त्रानुसार उस चीज का निर्णय नहीं कर पाने के कारण जो व्रज में विशेष करके नारायण भट्ट जी के द्वारा जो रचित व्रजविलास मेरे ख्याल से उसका नाम है, तो उस ग्रंथ में ये मान्यता दी गई है कि जो बरसाना के पास जो ऊंचा गांव है, जो ललिता जी का स्थान है, निवास स्थान है, तो वहाँ पर सप्तमी के दिन एक दिन पहले ही श्री ललिता जी का जन्मदिन मनाया जाता, तो उसी प्रथा अनुसार श्री प्रभुपाद जी ने भी गौड़े मठ में भी एक ही दिन पहले तिथि को मनाने का विचार चलाया है, तो भी श्री ललिता जी जो हैं वो श्री राधा और कृष्ण से बड़ी, दोनों से बड़ी, तो जब दोनों से बड़ी हैं हाँ, तो फिर बड़े लोग क्या करते हैं, शासन करते हैं। कृष्ण को भी तो डरती नहीं है, तो डर नहीं है क्योंकि बड़ी है, तो क्योंकि वो बड़ी हैं तो भय नहीं है, तो इसीलिए राधा जी को तो बोलती ही है और कृष्ण को भी करती है शासन। अच्छा कैसे वो करती है शासन, श्री रूप गोस्वामी पाठी ने स्तवमाला में बड़ा ही सुंदर ये स्तव उन्होंने प्रकाशित किया है, इसका नाम है ललिताष्टकम, रूप गोस्वामी पाठी द्वारा प्रकाशित ये ललिताष्टकम, जिसमें श्री राधा जी के गुण, ललिता जी के राधा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है और ललिता जी का जो गुण है और ये किस प्रकार से बड़ी हैं और किस प्रकार से राधा जी की भी सेवा कृष्ण की भी सेवा किस प्रकार से करती हैं, बड़े ही सारगर्भित शब्दों में सुंदर रूप से उन्होंने समझा है। श्री ललिता जी का बस मैं संक्षेप में कह रहता हूँ, श्री ललिता जी का
राधा और कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है। तो ललिता अष्टकम के प्रारंभ में ही उस प्रेम को लक्षित किया जा रहा, ललिता जी का कितना राधा और कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है, क्योंकि ये प्राण प्रेत सखियां हैं। तो इसलिए श्री राधा जी के प्रति भी प्रेम है तो श्री कृष्ण के प्रति भी प्रेम है, दोनों के प्रति प्रेम है। तो कहते हैं राधा मुकुंद पद संभव धर्म बिंदु निर्मंजनोपकरणी कृत देहलक्षाम। देहलक्षाम जिनके शिव विग्रह के शरीर का या जीवन धारण करने का मूल लक्ष्य क्या है, राधा मुकुंद पद संभव धर्म बिंदु, राधा और कृष्ण के चरणार बिंदुओं में जब पसीना जो है थोड़ा सा उसके बूंद निकलते हैं यदि, तो श्री ललिता जी क्या करती हैं, तो उस पसीने की ओर ध्यान देती है। इतना ध्यान कि राधा कृष्ण के चरणों के जो पसीने के बूंद हैं वो निकलने मात्र से ही वो इतना ध्यान रखती हैं कि वो निकलने मात्र से ही क्या करती है, निर्मंजनोपकरणी क्या करती है, उसको पोंछ दे, साफ कर दे। इतना ध्यान है, अतः दोनों के प्रति ललिता जी का इतना समर्पण और इतना प्रेम है। और वो प्रेम का ही लक्षण है कि उत्तुंग सौहृद विशेष वशात प्रगल्भ, उस प्रेम का ही लक्षण है कि वो श्री राधा और कृष्ण के प्रति वो इतना सौहार्द रखती हैं कि वो सौहार्दता और प्रेम के कारण ही वो प्रगल्भ हो जाती है। प्रगल्भ माने मतलब संसारिक भाषा में यदि कहा जाए तो उसे तो कहेंगे मुफट, किंतु ये चिन्मय जगत की चीज है तो इसे मुफट नहीं कहेंगे। बड़ा सुंदर शब्द है उसके लिए, उसका है प्रगल्भ। प्रगल्भ तो वहां पर ये प्रगल्भ भी सेवा के रूप में प्रयोग होगा, सेवा भी है ना, श्री राधा जी और श्री कृष्ण की सेवा में प्रयोग होगा। ये कैसे सेवा में प्रयोग होता है श्री ललिता जी की ये प्रगल्भता, तो दो श्लोकों में श्री रूप गोस्वामी पाद जी उस प्रगल्भता से जो सेवा का प्रकार है समझा क्या है। पहले प्रगल्भता से श्री राधा जी को समझाते धूर्ते व्रजेन्द्र नयन तनु सुष्टुवाम्याम महादक्षिणा भव कलंकिनी, कलंकिनी लाघवाय, क्या शब्द का प्रयोग, कलंकिनी है तू बात सुनती नहीं, तू कलंक है, क्यों कलंक है, लाघवाय श्री कृष्ण के प्रति जो है तू चुप जा, कृष्ण तुमको बार बार ठुकराते हैं और तुमको धोखा देते हैं, फिर भी श्री कृष्ण यदि तुम्हारे सामने यदि प्रकाशित हो जाते हैं, तुम बस कृष्ण के दर्शन मात्र से ही, कृष्ण के मुस्कुराने मात्र से ही तुम दाक्षिण्य स्वभाव, अपने वाम भाव को त्याग करके दाक्षिण्य भाव को तू धारण कर लेती है तू, अर्थात दाक्षिण्य माने पिघल जाती, ठीक है। तो क्यों, तो ललिता जी कहती है कि धूर तू दाक्षिण्य और लागव मत बनो। अच्छा क्यों मत बनो, धूर्ते ये कृष्ण जो है क्या है, धूर्ते हैं तनु सुष्टुवाम्याम, क्योंकि श्री कृष्ण धूर्त हैं है? तो इसीलिए तुम उनको ठीक ठीक तरीके से शिक्षा देना। कैसे शिक्षा देना, सुष्टुवाम्याम तू झुकना ही नहीं, वो जितना मर्जी चरणों में भी गिर गिर जाए है ना है? श्री कृष्ण
चरणों में भी झुक करके कहें स्मर कर अलखंडन मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव उदार, मैं ऐसा झुक करके भी कहें प्रिय चारुषी दे जाने तू ही मेरी प्रिय इत्यादि, तो भी क्या है तुम सुष्टु वाम्या ये वाम्य भाव को पूरी तरीके से धारण करके रखना। राधे किरम शुरुहितामि शिक्षयन्ति, अरे मैं बड़ी हूं तू जानती नहीं है, मैं तुम्हें शिक्षा दे रही हूं तो इसलिए बड़ी की बात आप तू सुन लेना, मैं तुम्हारे मंगल के लिए मैं कह रही हूं तो इसलिए मेरे इस मंगल सूचक बात को टुकराना नहीं, बिगल मत जाना। ये प्रगल्भता का राधा जी के प्रति सेवा, श्री कृष्ण के प्रति कैसी सेवा है, राधाम दूसरे वाले श्लोक में कहते हैं कि राधाम अभी रजपते कृतमात्मजेन कूटम मना कपि विलोक्य विलोकिता वाग्भंगि विस्तम चिरेन विलज्जयन्ति, विविध प्रकार के वाग्भंगी के द्वारा विशेष करके गोवर्धन के सिद्धांत घाटी में श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने बड़ा ही सुंदर ग्रंथ लिखा है दान के कौमुदी, श्री रघुनाथ गोस्वामी पाद जी ने भी बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा दान के चिंता, बताओ एक ही लीला को दो दो महापुरुषों ने लिखा है तो जरूर कुछ ना कुछ तो होगा उसमें, है ना। हम लोग तो 5 मिनट में सुन लेते हैं लीला, किंतु वो उसमें डूबते थे रसास्वादन करते थे। तो उस दान के लीला में जब श्री कृष्ण रास्ता रोक देते हैं और तरह तरह के वाक भंगी के द्वारा तो कहते हैं ये पूरा राज्य मेरा है, टैक्स तो यहाँ पर है, तब कौन साथ दे, तब कौन बचाता है, ये ललिता जी कृपा करके बचाती है। कैसे वाक भंगी में वाक भंगी के द्वारा विलज्जयंती श्री कृष्ण को लज्जित करा देती है। कैसे कहती हैं श्री ललिता जी, अरे आप तो बड़े सत्यवादी, अरे आप जैसे संसार में सत्य बोलने वाला तो मैंने पहले किसी को भी नहीं देखा है? फिर कहती हैं आप इतने सरल हैं, बहुत सरल है। फिर कहती हैं और तुम सचमुच में ही राधा जी के प्रति इतना विशुद्ध प्रेम भाव रखते हो, तुम तो ठगते ही नहीं हो, तुम तो दूर तो हो ही नहीं। तो इस प्रकार से व्यतिरेक भाव से या वाक भंगी के भाव से श्री कृष्ण को क्या करती है, विलज्जयंती लज्जित करा देती है। कृष्ण क्या जवाब दे, जवाब ही नहीं है उसके, ललिता जी कहती है तो कृष्ण के पास कोई जवाब नहीं है। इस प्रकार से श्री कृष्ण को डांटती हुई या विलज्जित करती हुई राधा जी को बचाती है, ऐसी ऐसी ललिता जी की सेवा है। और ये हम जैसे साधकों के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि रूप गोस्वामी पाद जी ने लास्ट में कहा याम काम अति व्रज बुले ऋषभानुजाया प्रेक्ष्य स्वपक्ष पदवी मनोरुद्यमानां सत्यस्त दिशकटलेन कृतार्थयन्तीं देवीं गुणेषु ललितां। श्री ललिता जी जो है हम जैसे साधक साधन भजन करते करते कई जन्मों के साधन के पूंजीभूत फल के परिणाम स्वरूप श्री गुरु वैष्णव कृपा हुई चैतन्य महाप्रभु कल सुना रहे थे कि यदा यदा गौर पदारविंद इंदेत भक्ति कृत पुनराशि तदो तदो श्रीपति तस्मात राधा पदम पूज सुधामराशि, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही जो है ये चीज संभव पर है और महाप्रभु की वो कृपा भी श्री गुरु कृपा से ही संभव पर गुरु परंपरा है। तो उस कृपा के बल स्वरूप हम यदि सौभाग्यवश प्रकट लीला में पहुंच गए, श्री भक्तिम ठाकुर जी ने जिस प्रकार से प्रार्थना किया कि देखते बोली वो हुआ करे निजस्तूल परिचया विषभानुपुरे, हाँ इसके बाद हेरी वो शोभा विषभानुपुरे जन्म हुई वो जावटे हुई वो विभागे, तो इस प्रकार से प्रकट लीला में जिस समय होगा
तब क्या है ललिता जी देखती है याम काम भी ब्रज मुले विषबाद जाए इस ब्रज में कोई भी एक सखी जन्म लिया है और उसका झुकाव यदि राधा जी के प्रति यदि थोड़ा सा भी झुकाव है तो क्या करती हैं प्रेक्ष स्वपक्ष पदवी मनोरुद्धमानम झट उसके पास ललिता जी पहुंच जाती है और उसको बड़ा समझा बजा करके आदव करके क्या करती हैं सद्यस्तदित घटनेन कृतार्थ जनती वो सखी के जीवन को कृतार्थ कर देती कैसे श्री राधा जी के चरणों की दासी और राधा जी के चरणों की सेवा में लगा देती है और वो अपने जीवन को वो धन्य मान लेती है सखी तो इस प्रकार से साधकों के लिए श्री ललिता जी की विशेष कृपा बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोगों का संप्रदाय है धारा है विशेष करके राधा जी के प्रेरण सखियों में ललिता जी के गण में जो रूप मंजरी के अनुगत्य में जो हमारे महानुषि गुरु परंपरा है इनके अनुगत्य में राधा कृष्ण की जो सेवा है यही हम लोगों का मनोभीष्ट है जो श्री भक्तों ठाकुर जी ने उनको गोस्वामी पाद जी ने भी कहा है इसलिए हम लोगों की ललिता जी सर्वस्व बोलो ललिता देवी की ललिताष्टमी तिथि की ऊंचा गांव की और प्रेमानंदे हरि बोल ओम मंगलम राम दस ध्यानान चला गया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बलहरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म मित्रिला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्री भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत पट साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्री भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण दर्ज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ उपस्थित श्री विजय प्रभु अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाविधि प्रणाम करता हूँ हरे कृष्णा आप लोगों ने अभी तक श्रवण किया है श्री ललिता सखी की महत्व कभी ये सखियाँ एक और ये सखियाँ करती ही क्या कहते हैं कि ये सखियों के बगैर भगवान का जो लीला है ये पुष्टा नहीं हो सकती इसलिए कृष्णदास ने महाराज गोस्वामी को उदाहरण दिया है जैसे एक तमाल वृक्ष तमाल वृक्ष देखने में सुंदर है लेकिन अगर उसको पर कोई अगर लता चढ़ जाए तो कहते वो और भी ज़्यादा सुंदर दिखती है कहती ये तमाल वृक्ष स्वरूप और बोले श्री कृष्ण है कहती लता स्वरूप भी कौन है बोले श्रीमती राधा है लता तो चढ़ गई हो गई सुंदरता लेकिन अगर उसमें पत्ते आ जाए उसमें और भी सुंदर दिखती है कहती ये पत्ता स्वरूप कौन है बोले ये सखियाँ हैं कहते पता अगर हो जाए सुंदर लेकिन अगर उसमें फूल और मंजरियाँ आ जाए तो उसमें उसको शोभा और भी शोभा बढ़ा देती है उसकी कहते उसी तरह कहते श्री राधा रानी की सखियाँ ही और कोई नहीं क्या है कहते आनंद चिन्मय रस प्रतिभा विसारी स्थागीर एवं निज रूप कला दयालु कहते सब सखियाँ कौन है कहते जब कृष्ण गोलोक वृंदावन में कहते रास मंडल में वहाँ पर कल्प विक्षोभ नीचे कृष्ण खड़े हुए
कृष्ण अभी सोच रहे हैं हम लीला करने के लिए, लेकिन कहते बहुत सखी लीला नहीं रसे रघुनाथ, वो अकेले लीला नहीं कर सकते हैं। जितने जो आत्मा राम और ये आप तक काम है वो अकेले लीला कर ही नहीं सकते, इसलिए कहते सा वही नई व रमे नई व रमते सा द्वितीय मैसर है। कहते जब वो रमण करने के लिए इच्छा की कहते उनकी बाम अंग श्रीमती राधा रानी, उनकी बाम अंग से राधा रानी ये प्रकट होती है, और अभी एक से तो दो हो गए, लेकिन ये दो में भी काम नहीं चलेगा है। लेकिन तो बहुत सखी भी ना रहे ना ही रसरे उल्लास, तब श्री राधा रानी सोचा मैंने अकेले कृष्ण को कितना सेवा करूँ, इसलिए राधा रानी अपना एक एक भाग को ही उन्होंने एक एक उन्होंने रूप प्रदान किया है, इसलिए कभी ये रूप प्रदान करके अनंत रूप में ही कृष्ण सेवा करती हैं। कहते विशेष करके राधा रानी से विशेष आठ सखियाँ जो है, राधा रानी की मेन सखियाँ आठ है जिसमें ललिता पहुँच गए, इसलिए कहते ना गाँव का नाम कौन सा गाँव में जन्म लिए, कहते ऊंचा गाँव में, कहते सबसे ऊँची प्रेम सगा, इसलिए ऊंचा गाँव में जन्म ली क्योंकि जितने सखियों में वो सबसे ऊँची है, जितने सखियों अभी ये सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इनकी कृपा के बगैर कोई कृष्ण की सेवा में कोई प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए ये सब सखियों में श्रेष्ठ है, इसलिए सब गांव का नाम भी ऊंचा गांव है। इसलिए राधा रानी जो सेवा वो सखियों को अलग अलग सेवा प्रदान की, बोले किसको किसको क्या सेवा दिए, बोले दामोदर भक्त ललिता चामरे चंपक लता तुंग विद्या सुनर्तनी सुदेवी जल सेवाया राजेश्री रंग देवी के। कहते एक एक सेवा सबको प्रदान करती है राधा रानी। कहते ललिता को उन्होंने क्या सेवा दी, बोले ललिता भक्त ताम होगा जो पांच की जो बिटिया है उठाए हम लोग जो उठाए हम लोग हमारे देश में बोल सकते बोलता है, इसलिए तांबुल जब पान की बिड़िया में उसमें कत्था दे करके चोट लगा कर बंगाल में और हमारे उड़ीसा में उधर बहुत से पान खा रहे, इसलिए उसमें बड़े सुंदर सुंदर तरबूज चंदन बड़े सुंदर सुंदर दे दे करके ना, ये जब एक पान खाओ उसमें इतना सुंदर सेंक देते हैं, अगर एक व्यक्ति को पान खाए ना पूरा मंदिर में सबको सुगर पता चल जाएगा, इतने सुगंध को पान से निकलती है। और ललिता सखी जब अपना है जब तांबुल बनाए तब समझो साधारण व्यक्ति हम जब खाते थे पान को ये सबको पता चल जाता है इतना सुंदर सेंट निकलता, जब राधा रानी के लिए श्याम सुंदर के लिए जब ललिता तांबुल बनाती है तब बताओ उसमें कितने स्वाद से हो, इसलिए ललिता की जो सेवा है ये तांबुल का सेवा ललिता, इसलिए ललिता भक्त तांबुल विशाखाम गंध चंदने, ये विशाखा सखी क्या करती है भगवान सुंदर अंगराज करती है, गंध चंपले चामरे चंपक लता, ये चंपक लता की सेवा किया बोले चामर बेलन रागे श्री रंग देवी के, रंग देवी क्या करती हैं इतने सुंदर राग रागिणी गाते हैं जिसको सुन करके प्रिया प्रियता प्रसन्न हो जाता है, इसलिए रागे श्री रंग देवी के। और सुदेवी जल सेवाया, कहते सुदेवी का सेवा क्या है बोले जल सेवा है, सुदेवी जल सेवाया, ऐसे अष्ट सखियाँ ये सब के सब अलग अलग रूप में राधा रानी ही इस एक एक भाव को एक एक रूप दे करके हैं ये अलग अलग रूप में प्रिया प्रियतम को ये सुखी कराती हैं, इसलिए इसका नाम भी तुंग विद्या, तुंग विद्या मतलब क्या जो विद्या जो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए कहते इनका जो नाम भी है वो नाम में उनके सारे नाम विद्यमान उनकी नाम में ही, इसलिए इनका नाम ललिता, ललिता मतलब क्या लालित्यवा सुंदरता, ये हमारी शिक्षा गुरु है रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं अगर किसको ये रूपांत को भजन में प्रवेश करना है भैया ये ललिता की कृपा के बगैर ये रूपांत को भजन में किसका प्रवेश है, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं बोले ललिता सखिरा अयोध्या की करी विनोद धरी छेपा, इसलिए
अपना परिचय देते हैं ललिता सखी अयोध्या की गरी, अपना कमल मंजरी वो अपना परिचय दे रहे हैं। क्या परिचय देते हैं? हम कौन सा धारा में हैं, हैं हमारे धारा में कौन कौन है? कहते विशेष करके ललिता सखी में कहते तीन सखियां जो विशेष है, जो कि इनके आनुगत्य में ये सबके सब सेवा करते हैं। कहते प्रधान सखी जो ललिता, उसमें एक है अनंग मंजरी, एक है अनंग मंजरी राधा की जो छोटी बहन, दूसरे हैं श्री लवंग मंजरी जो श्री सनातन गोस्वामी रूप में महाप्रभु लीला में आए हैं, और अनंग मंजरी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी रूप में महाप्रभु लीला में आए, और तीसरी जो सखी श्री रूप मंजरी, श्री रूप मंजरी है जो श्री रूप गोस्वामी। कहते हम लोग जो धारा है ना, हम लोग का यही धारा है, इनकी परंपरा में श्री भक्ति विनोद ठाकुर आए, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर अपना परिचय देते हैं। हम क्या है ललिता सखी की अयोध्या हम की करिए, और उनका जो नीचे आए कौन लोग प्रभुपाद कौन है श्री नयनमणि मंदिर, और इनके अनुगत में आए कौन श्री विनोद मंदिर, कौन है श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, और उनको जो नीचे में आए कौन आए श्री रमण मंदिर, कौन हमारे श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज है। हम लोग हमारा जो परंपरा है, हमारी ये परंपरा है, हमारी ये परंपरा को याद रखनी चाहिए, क्यों नहीं तो हम डायरेक्ट है ना, हम कोई कोशिश करेगा अरे ये सब की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट छलांग लगाएंगे कहाँ राधा कृष्ण की सेवा में, वे आर डूब जाएंगे। हम डायरेक्ट हम छलांग नहीं लगा सकते हो, ये गुरु गुरुओं को परंपरा के द्वारा ही इनकी आनुगत्य में हमें वहाँ तक जाना पड़ेगा, अकेले वहाँ पर तुम जा नहीं सकते हो, भले ही जितने कोशिश कर लो, भले ही इससे कोशिश करो, सबसे पहले अपना गुरु जी की आनुगत्य करें हैं, क्योंकि इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, कबे लोकनाथ मोरे संग लैया जावे, श्री रूपे पाद पद में मोरे समर्पिबे। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तब ऐसे हमारी सौभाग्य होगा, हमारे हाथ पकड़ कर कौन ले जाएगा श्री गुरु ले जाएगा, दूसरे व्यक्ति नहीं ले सकते, अपना गुरु ही हमें हाथ पकड़ करके आगे ले जाएंगे। कहाँ समर्पित करेंगे बोले श्री रूप गोस्वामी श्री रूप मंजरी के पास, रूप मंजरी हमें लेकर कहाँ जाएगी ये ललिता सखी के पास, ये एक नई सखी हमने लाई है, ये नई सखी फिर श्री ललिता क्या करेगी, फिर श्री युगल की सेवा में राधा कृष्ण की सेवा में श्री ललिता सखी हमें लगाएगी, उनकी कृपा के बगैर तो कोई सेवा की कोई चांस नहीं। इसलिए भक्त हमारे भक्त ठाकुर कहते हैं ना, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल की सोर जीवन मारा के गति पार नहीं मोर ललिता साधारी जात साकी प्रिय आज्ञा करीब सेवा चरणारविंद। इसमें कहते ललिता विशाखादी जत सखी वृंद आज्ञा करीब सेवा चरणारविंद, इन्हीं सखियों की आनुगत्य में ही हमें सेवा प्राप्ति होगी, नहीं तो हमारी सेवा कोई चांस नहीं। इसलिए यदि जो ललिता सखी है कहते भैया इनकी पिता माता के नाम क्या है, कहते हैं जो पिता है इनका नाम शारदा, और शारदा माता जी का नाम है और पिताजी का नाम है विशो है, इन पिताजी का नाम ये विशो है। कहते इनकी जो भाव क्या है, कहते इनका भाव है विशुद्ध खंडिता, विशुद्ध खंडिता भाव मतलब क्या है, कहते इसका मतलब है जैसे आज प्रिया प्रियतम की आज झिलक कहाँ होएगी, जैसे वो जो सुख है ना भागवत में जो प्रिया सुख, ये सुखदेव गोस्वामी जो सुख की राधा जी के पास में कृष्ण के पास में राधा जी को यही खबर भेजती है आज कहाँ पर राधा कृष्ण जुगल के मिलन होगी हैं, बोल दिया आज यहाँ पर जुगल के मिलन होगी, राधा रानी अपना सखियों को साथ उठाती है सुंदर उन्हें कुंज सजाते हैं श्याम सुंदर, अब जो कुंज सजाती कृष्ण
हैं, कृष्ण बोल देते हैं आज यहीं पर हमारी मिलन हो रही, लेकिन एक निर्दिष्ट समय लिया हुआ, किसी समय पर मैं आऊंगा। कृष्ण अगर निर्दिष्ट समय पर नहीं आते हैं, लेकिन ये सखियों का काम क्या है? सखियों का काम है, ये अपना मिलन में नहीं चाहती है, ये चाहती है हम जुगल मिलन। इसलिए जय जय राधा कृष्ण, जुगल मिलन आरती करें लली दादी सखी घर। इनका जो काम है, हम कैसे ये राधा कृष्ण कैसे मिलन कराएं, यही इनका जीवन का काम है। लेकिन राधा कृष्ण जो मिलन प्राप्त होते हैं, उनसे ही उनको अपनी अपनी आनंद का प्राप्त होता है। अब विशेष करके मंजरिया तो कभी भी कृष्ण को साथ में डायरेक्ट मिलती है, इसलिए कहते हैं यदि मुकुंद सखी दासी तम सखिना। लेकिन जब श्याम सुंदर राधा रानी को आलिंगन करते हैं, उनको प्रेम करते हैं, प्रेम तो उनको करते हैं, लेकिन ये सारे भाव कहाँ प्रकट होता है? यदि मंजरियों के अंदर में सखियों को ऊपर में वो अपने आप सारे भाव अपने आप प्रकट हो जाते हैं, उनको अलग रूप में मिलने का लास्ट जरूरत नहीं होता है, वो सारे आनंद इनको मिल जाते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा आनंद इनको मिलती है। इसलिए लोग डायरेक्ट कभी कृष्ण को साथ में मिलना नहीं चाहती। इनका जीवन का जो उत्सव है, कैसे राधा कृष्ण ये दोनों को कैसा मिलन कराए। इसलिए विशुद्ध खंडिता मतलब होता है, जैसे श्याम सुंदर बोलते हैं इसी समय आऊंगा, लेकिन उसी समय श्याम सुंदर आए, राधा रानी दुखी होकर बैठी, सुंदर श्रृंगार राधा रानी की है, सखियों ने श्रृंगार की, क्यों श्याम सुंदर आएंगे और हमारी किशोर की से मिलन करेगा, लेकिन निर्दिष्ट समय पर नहीं आने पर उसमें सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? कि ललिता आज क्या हो गया, श्याम सुंदर क्यों नहीं आए, समय बीतते जा रहे हैं, राधा रानी दुखी होकर के निकुंज में बैठी हुई। इसलिए इनका जो भाव है, ये विशुद्ध खंडिता भाव है, मतलब केवल राधा को साथ में कृष्ण को मिलाने के लिए ही ये सारी भावना है, इनकी इसलिए विशुद्ध खंडिता भाव। कहते हैं कि जैसे ये अलग अलग सखियां सब भजन गाती हैं, कहते इनकी कहते कौन सा राग में ये ललिता से भजन गाती हैं, कहते एक भैरव राग है जिस राग का नाम कहते हैं, ये भैरवी राग ये गाती हैं, और एक एक कली बना एक राग है, कहते इसी इसी राग ये गाती हैं। कहते जो वाद्य है सखियों ने अलग अलग सब बजाते सुंदर सुंदर, कोई मृदा कोई मजिया, कहते श्री ललिता की सबसे प्रिय है, कहते ये वाद्य किया है, ये ललिता जो वीणा है बड़े सुंदर ये वीणा बजाती है, वीणा बजाने में ये बड़ी चतुर है। कहते इनकी अंदर में विशेष करके जो पिताजी का गुण अगर बेटी में आए और माँ का गुण अगर बेटे में आए ना, उनको सौभाग्य मान जाती है, उनको बड़े सौभाग्य मान जाती है। इसलिए कहते श्री ललिता के अंदर में इनकी पिताजी की गुण विद्यमान, इसलिए बड़ी सौभाग्यशाली। कहते उनके पिताजी का क्या गुण, अगर पिताजी का गुण बेटी में आए सौभाग्य मान जाती है। कहते ने पिताजी का क्या गुण, उतार उदार, आज का पिताजी बड़े उदार संपन्न हैं, उदार संपन्न होने के नाते इसलिए ललिता को अंदर भी उदारता है, हैं क्या उदारता है, प्रभु जी बोल रहे हैं ना, अगर ब्रज में कोई अगर कोई गोपी कोई लड़की जन्म हुई है, अगर कोई लड़की अगर ब्रज में जन्म हुई ना, एक होता है रुचि परीक्षा, आपको पता होगा रुचि परीक्षा में वो अलग अलग चीज को रख लेते हैं और वो बच्चे को छोड़ देते हैं, वो बच्चा जिस चीज को जाकर पकड़ता है ना, उससे पता चलता है इसका अंदर यही गुणवृत्ति कि भविष्य में क्या बनने वाले हैं। इसलिए जब किसी लड़की की रुचि परीक्षा होती है, ये ललिता क्या करती है, राधा रानी को कोई प्रसादी वस्त्र हो नहीं तो कोई माला हो, राधा रानी कोई प्रसादी चीज लेकर रख लेती। लेकिन चंद्रावली के अंदर जो वो भी चाहते हैं कि हमारी पार्टी में आए, मतलब बड़ी पार्टी है उन्होंने, हाँ वहाँ बड़ी पार्टी है, इसलिए वो भी अपना ले जाती रख लेती है। अभी किसका दल में, ये चंद्रावली के दल में आएगी ना, राधा रानी की दल में जाएगी। अगर वो लड़की को छोड़ देते हैं जो घुटने पर चलती है, छोड़ने पर अगर उसने राधा रानी की कोई प्रसाद चीज को पकड़ लिया ना, ललिता को पता चल जाती है बड़ी होकर के हमारी कल्याण बना, ये राधा जी के घर में ही आने वाली, और ललिता उसकी
नजर उसी लड़की को पर रहती है बड़ी होकर के, ये हमारी घर पर रहेगी और ये क्या करती है, ये क्या करती है। अगर किसी मन में थोड़ी सी, देखो कितना बड़ी चीज बता रहे हैं जो रूप गोस्वामी, अगर किसी मन में थोड़ी सी अगर इच्छा हो जाए हम भविष्य में हम क्या बनेंगे, बोले राधा रानी की हम किंकर बनना चाहते हैं, राधा रानी की किंकर बनकर के सेवा करना चाहती हैं। बोले सत्य घटना नष्टार्थ है कि ललिता सखी उसकी इच्छाओं को पूरी कर देती है, ललिता सखी पूरी करते हैं, हमारी राधा जी की दासी बनना चाहती है। इसीलिए देखना हमारे जो गुरु जी भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज जब वो वंदना करते थे उसमें क्या करते, क्या वंदना करते थे, ये वंदना को रोज करते थे गुरुदेव, हा देवी काल कुमार गद गद आद्य वाचा जाचे निपत दंडवत उद्वत्ति अस्य प्रसाद मबुदस्य जनस कृत्वा गांधर्व के तव गणी गणना। महाराज हर समय ये वंदना था, अब सुने होंगे वंदना को यही करते थे, बोले हे श्रीमती ईश्वरी जो आपके चरण में बारंबार हाथ तो जोड़ कर से धनवत करते हुए बारंबार आपके श्री चरण में हम प्रार्थना करते किया है, हे राधे आपका घर में आपके रजिस्टर में जितने सखियां हैं उसको सबसे नीचे हमारे नाम को आप लिख दो, आप कृपा करके अपना घर हमें गणित कर दो। इसलिए जब तक हमारी हृदय में ये इच्छा नहीं रहेगी ना, इच्छा रहेगा तब तक राधा रानी की कृपा करेगी, तभी तो ये ललिता कृपा करेगा, तुम्हारी इच्छा ही तब तुम्हारे अंदर की अब इच्छा पूरी होगी, इच्छा पूरी नहीं हो सकती। इसलिए गुरु जी को देखना जो जो प्राय करके गुरुदेव जो वंदना करते थे हैं, जैसे श्री रूप मंजरी करार चित पाद पद्म गोष्ठ नंदन भुजार मित मस्त काया, ये भजन को गुरुदेव स्तुति करते थे इसको, क्योंकि पहले आपकी इच्छा है फिर उसको बाद में जाने की इच्छा पूरी होगा। अगर तुम्हारे मन में इच्छा ही कुछ नहीं है तो राधा ने आपको क्या गलत संख्या पूछे आ जाए। इसलिए तो उनकी जो उदारता पिताजी को जो उदारता है ना इनकी अंदर विद्यमान है, इसलिए क्या करती हैं ये जीवों को लेकर के राधा रानी के चरण में सेवा में प्रदान करने वाले श्री ललिता सखी है इनकी। कहते इनकी जो सेवा है ये क्या सेवा करती है, कहते सेवा तो बहुत तरह का है, कहते इनका विशेष सेवा है, बोले क्या सेवा है, बोले गोलोक वृंदावन में कहते जो पुष्प विधान पुष्प मंडप पुष्प छत्र पुष्प सज्ञा में ये निपुण है, जितने फूलों में ना वृंदावन गए हो, कौन कौन वृंदावन गए अब जाकर बाकी बिहारी को देख जाकर देखना फूलों की कैसे श्रृंगार होता है, ये भी बताने कितना लाख लाख रुपया उसमें लगता है, हैं अब देखो कि ठाकुर जी की फूल मंगला में देखना बाकी बिहार की जो चौपटा कपड़ा उसकी बेणी चोटी सब देखोगे ये फूलों की कली से बनती है, फूलों की कली से केवल उनको श्रृंगार करने के लिए तो 15-16 घंटा 8-10 लोगों को कली में बड़ी सुंदर, अब जरा कितने सुंदर से फूल की श्रृंगार होती है। ये कहाँ से सब आया कहते बोलो कि वृंदावन ये क्या है छाया है, हैं अगर यहाँ पर आप देखो कितने सुंदर फूलों की वहाँ बंगला बनाते हैं भैया, ये साधारण रूपये जीवन ये बना सकते हैं तो बताओ जहाँ मूल स्रोत है कितने सुंदर नहीं होगा। इसलिए फूलों की बड़ी ही सुंदर की पूज्य बनाती है, फूलों की बड़ी सुंदर सज्जा बनाती है, फूलों की हाँ वेदी बनाती है, मंडप बनाती छत्र बनाती पुष्प सज्जा में ये ललिता एक्सपर्ट सुंदर है, इसकी ये विशेष करके ये इनकी सेवा है। कहते ये प्रभु जी बता रहे थे ना ये प्रगल्भा, प्रगल्भा मतलब क्या है हिंदी में क्या बोलते थे, मुख खराब, ये बड़ी तेज है, इतना तेज है ना अगर राधा कृष्ण दोनों पासा खेल रहे हैं लेकिन राधा रानी का पार्टी अलग कृष्ण का सखा लोग है, अगर वो देखती हैं अगर ललिता अगर देखती है राधा रानी का पल्ला घटते जा रहा है, इनको पासा खेल होता है ना इनका पल्ला धीरे 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 घटते जा रहे हैं, और श्याम सुंदर अगर कुछ बोल देना ललिता बीच में टपक पड़ते चुप रहो तुमको हम सब जानते हैं, हैं इसलिए अगर राधा रानी की जय हो जाती है ना ये लोग बड़े जोर से ताली बजाती है, और राधा रानी का पक्षे वाले क्या करती है ये जोर से ताली बजाती है। अगर कृष्ण का अगर जीत हो जाए कौन ताली बजाते सखाए, अगर कृष्ण का जीत हो जाए ना ये लोग बड़े दुखी हो जाते, लेकिन अगर राधा रानी अगर जीत जाती है ना और जितने राधा रानी का पक्ष सखियाँ मंजिल जोर से ताली बजाती है अब लोग ताली नहीं बजाते, ताली बजा करके
क्यों ये सबके सब ये है इनके अंदर में एक विशेष गुण मतलब कि क्या इंद्रजालिक समझते जादू ये जादू जानती है कहते ये कहते जो इंद्रजालिक है कहते ये जानती है मतलब इंद्रजालिक मतलब क्या है बोले जादू जिसको कहते जादू बना चुकी ये बड़े जादू जादू विद्या में बड़े निपुण थे बोले कौन से जादू विद्या में है वो ऐसे ऐसे कृष्ण को बाद में फंसा देती है ऐसे ऐसे राधा रानी की हो करके वो ऐसे ऐसे बाद में कृष्ण को फंसा देती है ना कृष्ण को नहीं उनको सामने कोई जादू बना कोई काम करेगा जो अनंत पिंड विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है कहते इनको भी बात बात में और ऐसे काम करते ना कृष्ण को भी भ्रमित कर देती है ललिता और भ्रमित करके जैसे पासा खेल रहे हैं पासा खेलते खेलते ये क्या करती हैं जैसे पासा की काठी फेंकते ही ये ऐसे ऐसे बात बात फंसा देती हैं कृष्ण का मन को इधर उधर क्या कर देती है कृष्ण के मन को भटका देती है झट पासा का काठी को बदला देती है और बदला करके ना राधा रानी को जिता देती है और बहुत सारी कामों में ऐसे ऐसे काम करती हैं जिसमें कृष्ण को भी स्वयं भ्रमित में डाल देती है हाँ भ्रमित में डाल कर श्री राधा श्री कहते हैं कृष्ण को भी ये भ्रमित कर देती है कौन श्री ये ललिता सखी है इसलिए कहते हैं कि जो पांच प्रकार जैसे कृष्ण का जो सखी है वो पांच प्रकार सखी है पांच प्रकार सखी में जैसे प्राण सखी प्रिय सखी प्राण प्रेष्ट सखी पांच प्रकार जो सखियां हैं कहते ये जो ललिता की जो सखियां हैं वो कौन सा है कहते तो प्राण प्रेष्ट सखी कहा जाता है कहते प्राण प्रेष्ट सखियों में ये ललिता इसमें मुख्य श्री ये ललिता सखी मुख्य है कहते इनकी अध्यक्षता में ही जितने राधा कृष्ण की सेवा है कहते इनकी अध्यक्षता में ही वो सारी सेवा काम इनकी अध्यक्षता में चलती इनकी ललिता के बगैर राधा कृष्ण की सेवा में कोई प्रवेश नहीं पा सकती कहते भैया इसको एक उदाहरण देते हैं जैसे एक मानस सरोवर है अब बढ़िया कहते एक जैसे मानस सरोवर है जैसे मानस सरोवर है कहते मानस सरोवर जैसे अनंत धाराएं वहां से प्रकट होती है कहते ये मानस सरोवर रूपी कौन है बोले ये श्रीमती राधा रानी कहती एक मानस सरोवर है लेकिन जैसे मानस सरोवर से अनंत धाराएं जैसे निकलती है अनंत धाराएं जैसे निकलती है निकल करके धारा तो निकलती राधा रानी ही मूल वो मानस सरोवर की मूल स्रोत है लेकिन वो धारा निकाल के उदाहरण देते हैं जैसे हमारा हार है जिस हार से हार हाथ में चलती रहती है खून को पूरा सारा शरीर में ये खून को क्या करती है प्रवाहित करती है फिर उसको प्योर करके फिर वहीं पर आ जाती है खून कहते ठीक उसी तरह ये राधा रानी रूपी जो अनंत मानस सरोवर से अनंत धाराएं मतलब अनंत सखियां यहाँ पर प्रकट होकर के प्रज्ञा करती हैं राधा रानी से सब प्रकट होती है लेकिन राधा रानी ही सखी रूप धारण की लेकिन वही राधा रानी से प्रकट होकर राधा जी की राधा कृष्ण की ये जुगल की ये सेवा करती है इसलिए ये ललिता सखी कोई भी सेवा में जैसे कभी कृष्ण राधा रानी बोले हम आज यहाँ पर मिलेंगे लेकिन किसी कारण से श्याम शुक्र नहीं आए राधा रानी बड़ी दुखी होकर बैठ हुई खंडी का भाव से बैठ हुई नहीं आए इतने में राधा रानी बड़ी दुखी होगी जब दुखी होगी कृष्ण तो आ रहे थे राधा रानी से मिलने के लिए लेकिन बीच में ना ये चंद्रावली आकर कृष्ण को पकड़ कर लेगी बोले मैं भी तो तुम्हारे लिए कुंजे बनाकर बैठी हुई कृष्ण बहाना बना रहे थे लेकिन उसको पकड़ करके ले गए जब पकड़ करके ले गए अभी जो एक जो तोता कहते ना जो प्रयास वो आकाश में उड़ते रहता है वो सब देखता है कृष्ण कहाँ गई नहीं गई
लेकिन जब देखा कृष्ण बीच से अपहरण हो गए, वो तोता आकर के राधा रानी से बोले, राधे आज तुम्हारी ये श्रृंगार, आज तुम्हारी जो सुंदर पुष्प की तुमने बड़े सुंदर कुंज बनाया, आज सब बेकार। बोले क्यों? बोले कृष्ण बीच में अपहरण हो। बोले कैसे? बोले कृष्ण तो आ रहे हैं तेरे मिलने के लिए, लेकिन चंद्रावली को बीच से पकड़ करके ले गए। कृष्ण में राधा रानी इतने दुखी राधा रानी हो गई, दुखी होकर कुंज में बैठ गई। इतने में कृष्ण लेट में आते, जब लेट में आते इतने में राधा रानी पूछे, इतना अब लेट क्यों? राधा रानी सब पता है, वो चंद्रावली के पास चलिए। बोले देखो राधे, में तो आ ही रहा था, लेकिन बीच में क्या हुआ जानते हो? बोले क्या है? बोले मैंने देखा है कि तमाल बैठे हैं, तमाल को कृष्ण स्वरूप मान जाते हैं, उसको ऊपर एक माधवी लता उसके ऊपर चढ़ा हुआ। ये जो लता स्वरूप कौन है? राधा रानी। फिर जब मैं पृथ्वी को लता देखना तेरा याद आ, हम दोनों को मिलन और तेरी चिंता में मैं बेहोश हो गया। लेकिन कृष्ण को तो पता, राधा रानी को सारी बात पता, ये तो चंद्रावली को पास में चले गए, इसीलिए आने में लेट हो गया। लेकिन चंद्रावली से मिले कृष्ण का पैर में सिंदूर लगा हुआ था। बोले ये लाल दाग कहाँ से आ गया? बोले आते आते ना पैर में कांटा चुभ गई, ये खून निकले गया कांटा के किसने। इतने में राधा रानी इतने दुखी और इतने भर्सना, जहाँ से आए वहीं चले जाओ, यहाँ आने का कोई जरूरत नहीं। कृष्ण निकाल दिया, जब निकाल किया, लेकिन कृष्णा बड़े दुखी होकर के अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे। इधर राधा रानी दुखी, कृष्ण के बगैर उनका मन थी, ललिता का काम यही है, राधा कृष्ण को जुगल मिले क्या आनंद है। ललिता राधा रानी भी बड़ी दुखी होकर, भाई कृष्ण भी दुखी, अभी ये दोनों को मिलाएगा, ये कौन मिलाएगा दोनों को? ये ललिता। अरे कृष्ण इसी ललिता को पास में जाते हैं, ललिता से परामर्श मांगते हैं, ललिता तुम ही बताओ अभी मुझे क्या कहना चाहिए, हम कैसे श्री ईश्वर जी को मैं पूछ कर सकता हूँ। तब ललिता जी को उपदेश देती है, एक काम करो, आपका विरह में भी राधा रानी अभी वो भी दुखी होकर बैठी हुई, एक काम करो आप एक गंधर्वणी का रूप धारण करो। गंधर्वणी रूप धारण करते हुए राग सुंदर नाग से गाओ, हे कृष्ण ऐसे गाए, राग ऐसे गाए, पेड़ का फूल से अपनी आप मधु झरना शुरू हो गया, जितने पत्थर सबकी सब पिघलना शुरू हो गई, और चारा चारी तरफ कृष्ण की जो राग सुंदर की चारी तरफ उन्माद ग्रस्त हो गई। कृष्ण की राग इतने सुंदर गाए, चारी तरफ एकदम स्तब्ध हो गया, इतने सुंदर गाए। अभी ये स्वर सुनते ही राधा रानी का हृदय भी द्रवीभूत हो गया। बोले सखी ललिते इतने सुंदर स्तोत्र गा रहे हैं, बोले ये स्वर्ग से एक सुंदर एक देवी आई है, हैं ये देवी आई है, क्या कहते हैं? इनका जो भजन सुनते हैं ना उनका हृदय पिघल जाती है, हृदय को बड़ा शांति मिलती है। बोले उनको ले आ, वो सखी को मेरे पास में ले आ। तो उन्होंने क्या की, तो उन्होंने कृष्ण को अपना रूप बदला कर बैठे कृष्ण, इतने में कृष्ण उन्होंने उनको ले आ। बोला कृष्ण वो कदर बड़ी अच्छी विद्या जानते, बोले किया, बोले जिसकी चरण की सेवा करते हैं ना उनके हृदय के सारे व्यथा दूर हो जाती है, जिनको अपना हाथों से श्रृंगार करे मन की सारे व्यथा दूर हो जाती है, वे भी कृष्ण विरह में व्यथा उनको ले आ। बस ललिता सखी कृष्ण को ये सब परामर्श देकर ले आती है, और इतने में कृष्ण में बड़े सुंदर चरण दबाना जानती हूँ, इतने जो कृष्ण राधा जी की चरण सेवा करते हैं ना, राधा रानी के सारे विरह व्यथा सब दूर। राधा रानी सोच रही है तब भी मेरा विरह व्यथा तभी दूर होगा, जब तक श्याम सुंदर से नहीं मिलना तब तक कभी मेरे हृदय में व्यथा दूर नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो बात करता है, पता नहीं इसका बात सुनकर मेरा मन की इतनी शांति और इतने उत्फुल्लित हो रहा है, क्योंकि श्याम सुंदर के बगैर मेरा मन को कोई भी आकर्षण नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके हर बात सुनकर मेरा मन इतना उत्फुल्ल, शरीर में हाथ लगा के हृदय के सारे व्यथा दूर हो गई, और श्रृंगार राधा रानी का अपने हाथों से किए मेरे दुख कैसे दूर हो गई। इतने में राधा रानी ललिता को सारा कुछ, ललिता ही कौन है? तो ललिता आंखों से कहती है, बोले देखो ये और कोई नहीं, श्याम सुंदर नहीं, मेरे परामर्श से ही आपकी सेवा करने के लिए आई है, और कोई नहीं, ये श्याम सुंदर है, ये श्याम सुंदर है। इतने में उनकी अभी ड्रेस तो उन्होंने सखी का धारण किया कृष्णा, बोले इनको कैसे प्रकाश पाए वही कृष्ण है। इतने में राधा रानी कहती है, देखो ललिते इसको अपना पास रख लो, ये बड़े अच्छी सखी, बड़े श्रृंगार करती है, बड़ी सेवा चरण की सेवा की, इनको अपना पास में रख लिया करो। लेकिन बोले तू इतना महिला कपड़ा क्यों पहनो, लो ये नया कपड़ा नया वस्त्र को तुम लेकर पहनो,
कृष्ण ने देखा सर हाँ सर हाथ तो फूट जाएगा है सारे उद्घाटन हो जाएगा फिर क्या करें। इतने बोले जब उन्होंने की करो वो कृष्ण कहते नहीं 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 मैं यही महिला का बड़ा प्रयत्न कर रहा हूँ मेरे को नया वस्त्र की जरूरत है। बोले अरे सब लोग माताओं को देखा ना क्या ये चीज में लोग है नया वस्त्र पहने बढ़िया से बढ़िया हम तो पास में अभी राधा रानी कौन है राजकुमारी अब तुम राजकुमारी हमारे पास में रहोगे तो बढ़िया से कपड़ा पहनो। वो मना करती है बोले लड़कियों के सामने लड़की को वस्त्र बदलने में शर्म किया है तुम तो हम सबके सब लड़की ने वस्त्र बदल वो चाहती नहीं। इतने में क्या करते ललिता उनका जो ऊपर का जो कपड़ा था ना शर्ट खोल देती है। जब खोल देती है ना वो देखते हैं नहीं वो कौन है कहते ये सखी नहीं ये सखा है ये सखी नहीं ये कृष्ण चंद्र है ये कृष्ण चंद्र है। इसलिए ये इतने सारे काम है ना जुगल से ललिता ये काम कौन कराती ये ललिता सबके सब काम ये ललिता सखी करती है। इनके बगैर कृष्ण की राधा जी के पास में कृष्ण के पास में इनका मिला इनके पास कोई सेवा में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये ललिता सखी हर तरह से ये हमारी सेवा करती है जुगल सरकार की और हम लोग का जो गण है ये ललिता गण है और इनकी आत्मगत में ही एक दिन ये जुगल सेवा में जीव की अधिकार प्राप्त होता इनके कृपा के बगैर जुगल सेवा में कोई प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज श्री ललिता सखी की आविर्भाव दिखी है कि ललिता सखी हम सबको ऊपर में आशीर्वाद करें क्योंकि हम जो किसी संप्रदाय में आए हैं ना कि संप्रदाय में सभी नहीं आ सकता है। इसलिए गुरुदेव कहते जो भक्ति गुरुमुखी जो सुकृत अलग अलग तरह का होता है सुकृत सबका अलग अलग तरह का जो नारायण सेवा की सुकृति होगा वो कौन सा संप्रदाय में जाएगा वो श्री संप्रदाय में जाएगा। जिस पर राम सीता की उपासना होगा रामानुजी संप्रदाय में जाएगा लेकिन जबकि राधा कृष्ण की जो प्रेम सेवा विशेषकर रूपानुगत्य को ग्रहण करते हुए रूप गोस्वामी की आनुगत्य में जब राधा कृष्ण की जो निकुंज सेवा होगा वो और कहीं नहीं जाएगा उनको घुमा घुमा करके क्या आपको कौन सा संप्रदाय में जाएंगे महाप्रभु की संप्रदाय में आएगा और किसी संप्रदाय में नहीं जा सकता। इसलिए गुरुदेव कहते जिसका स्पेशल सुकृति है ना वही लोग ही इसी परंपरा में आएंगे। और भक्तिवृंद ठाकुर क्या कहते हैं कहते जो महाप्रभु की धारा में आ करके जो जुगल सेवा के अधिकार प्राप्त करते हैं जब उनको स्वरूप वस्तु सिद्धि होती है वस्तु सिद्धि में क्या होगा एक साथ में वो दो स्वरूप धारण करना है। एक स्वरूप में तो जुगल सेवा में जाते हैं और स्वरूप में कहाँ जाते हैं महाप्रभु का धाम शोध दिव्य को जाते हैं जैसे रूप गोस्वामी महाप्रभु लीला में रूप मंजरी कृष्ण लीला में लगन मंजरी कहाँ पर है कहते श्री राधा कृष्ण की सेवा में और सनातन गोस्वामी कहाँ पर है श्री महाप्रभु लीला में एक साथ में कहते केवल महाप्रभु की धारा में जो आएगा उसको वस्तु सिद्धि में तब ही उनके ही केवल दो रूप होगा और इसमें नहीं होगा। और जो रस का जो पूर्ण आनंद है जो श्रृंगार रस का जो पूर्ण आनंद है कहते उसको केवल श्री कौन सा संप्रदाय जो महाप्रभु की धारा में आएंगे गुरुदेव कहते जिसका स्पेशल सुकृति है ना वही लोग ही इसी धारा में आ सकते हैं सभी इसी धारा में नहीं आ सकते। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्य पाएंगे क्योंकि महाप्रभु की धारा में हम लोग आए अपना गुरु गर्भ के आनुगत्य में ललिता सखी के आनुगत्य में हम लोग आए इसलिए अपना धारा को सही सही समझ करके सही सही रूप में हमें साधन वगैरह करनी चाहिए इधर उधर हमें मुँह नहीं मारनी चाहिए। हमारे गोस्वामी ने हमको सब कुछ वस्तु प्रदान किया है किसी दूसरे संप्रदाय में चले जाओ एक दो पुस्तक बगल कोई पुस्तक नहीं मिले नहीं तो कोई एक ही ग्रंथ पढ़ते होंगे लेकिन हमारी महाप्रभु धारा में आओ सनातन गोस्वामी को देखो क्या ग्रंथ लिखे रूप गोस्वामी का तो ग्रंथ की भंडारा खोजती है रघुनाथ दास को संत विलास को समाचरित और उनको मुक्ता चरित्र क्या ग्रंथ लिखे विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर का ग्रंथ कितने ग्रंथ है रघुनाथ दास को स्वामी का कितने ग्रंथ है गोपाल भट्ट जीव गोस्वामी तो क्या उन्होंने आनंद वृंदावन चंपु और उन्होंने सठ संधर्म उन्होंने बनाए प्रवदानंद सरस्वती राधा रस सुधारी थी क्या एक एक गोस्वामी को इतने इसलिए हमारे गुरु जी कहते हैं हमें कहीं हाथ फैलाने का जरूरत नहीं हमें कहीं भी जाने का जरूरत नहीं। इसलिए लास्ट में श्री जीव गोस्वामी ने क्या किया कहते कहीं संस्कृत पढ़ने का कोई जरूरत होता है क्योंकि जब तक संस्कृत नहीं पढ़े संस्कृत में सारी भाषा इसलिए उन्होंने हरिनाम मतलब व्याकरण को लिखे जिस व्याकरण में पढ़ने के साथ साथ हरिनाम भी होगा उसको साथ साथ में तुमको संस्कृत भी ज्ञान हो जाएगी बोले अद्भुत रूप में कहीं भी हमें भटकने का दर्दर जाने का कोई
जरूरत नहीं, जाओगे तो पति तो घट जाओगे इस धारा से। इसलिए गुरु जी कहते कहीं जाने का हमें जरूरत नहीं। हमारे गोस्वामी ने जो दिया है परिपूर्ण रूप में हम सब कुछ दिया, हमें अपना गोस्वामी बलदेव जी का क्या उन्होंने सिद्धांत रचन किया, ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित किया। इसलिए हमारे एक एक गुरु वर्गो ने अनंत अनंत ग्रंथ की कथा और ग्रंथ की भंडार को हमारे गुरु वर्गो ने खोल दिया। इसलिए हम एकनिष्ठ होकर के अपना साधन भजन अपना संप्रदाय के बात में समझनी चाहिए। इसलिए अपना संप्रदाय को नहीं समझ करके इधर उधर घूमा तो घूमा प्रति चीज प्राप्त नहीं होगा। क्यों? इसलिए श्री हमारे श्री रघुनाथ शास्त्री गोस्वामी के बल खबरदार सर अपनी तक तो लक्ष्मी तरफ की जमना खबरदार दूसरे जिस तरफ से तुम्हारी भावना जाएगी ना, अगर तुम लक्ष्मी नारायण का प्रति कथा सुनकर तुमको लेकर बैठो ने बुझा देगा तो बोलो कि वृंदावन तो नहीं मिलेगा। और अयोध्या की बात सुनोगे तो तुमको अयोध्या में बंदर बना दे वैश्विधा सब राम के स्वरूप बंदर और भालू बनते रहोगे हैं। ये कौन कह रहे? अब पढ़ करके देखो हमारे श्री लघु प्रिया भागवत तत्व को पढ़ करके देखो। गो कुमार जब गए क्या अयोध्या में देखा सारे बंदर भालू ही उनको स्वरूप सिद्ध भी वही चीज है कि उनका सब भक्त वही हो गए। लेकिन केवल जो राधा कृष्ण को भक्ति करते हैं ना कहते उनका जो स्वरूप है सुंदर गोपी स्वरूप है, उनका सुंदर सखा स्वरूप है, उनको बड़े सुंदर सुंदर कृष्ण की सखा सखी स्वरूप में उनकी सेवा की प्राप्त हो वैकुंठ में जगह चाहे रात हो। लेकिन स्वाभाविक रूप में जो नर लीला है वो केवल कृष्ण में ही गुरुदेव कह रहे, केवल कृष्ण भक्ति में ही तुमको प्राप्त होगा और कहीं तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। बोले श्री ललिता सखी की श्री चैतन्य महाप्रभु तत्रागर नापर। इसलिए श्री विश्वनाथ चंद्र कहते हैं क्या कहते हैं आराध्य भगवान ब्रज स्तन आराध्य हमारे ब्रज नंदन है। महाराज एक श्लोक में हमारी संप्रदाय निष्ठा करते बोले भजन कैसे करनी चाहिए बोले ब्रज बधुवर हे नया कल्पिता ब्रज गोपियों ने जब मार्ग बोले किसका सिद्धांत बोले श्री चैतन्य महाप्रभु ये महाप्रभु का मत है तत्रा धर्म उसको ही आदर करना अपर दूसरे को नहीं आदर करो इसी में कर तत्रा करना अपर दूसरे का आदर मत किया करो महाप्रभु का ये फिलोसफी है। इसलिए हमें इसी फिलोसफी में हमें प्रतिष्ठित रहनी चाहिए। ठीक है अब 5 मिनट और 5 मिनट प्रभु जी ना एक बड़ी सुंदर कथा बोली वो ललिता के गाँव में बोले थे खड़े जस्ट जल्दी आओ सखी के इस लीला का कभी भी पुष्टि नहीं होता।
इसीलिए कृष्ण ने सबसे पहले लीला आस्वादन करने के लिए अपने आनंद स्वरूप राधा रानी को प्रकाशित किया। अब देखा कृष्ण अगर लुट जाएंगे तो राधा रानी मनाएंगे, राधा रानी लुट गए तो कृष्ण मनाएंगे। अब दोनों के दोनों रूप करके बैठ गए तो सखी लीला कैसे पुष्टि होगा। इसीलिए राधा रानी ने इस लीला को पुष्टि करने के लिए अपने स्रोत प्रख्यात अपने स्वपक के सखी अपने पक्ष सखी के प्रकाशित किया। उसके बाद फिर देखा कि इतना अगर विलेन नहीं हो विपक्ष ही नहीं हो तो मजा ही नहीं। तो फिर इन्होंने फिर इनके ही राधा रानी के से हम कहते हैं विपक्ष सृष्टि हो फिर तटस्थ और श्रीयुत प्रख्यात इस प्रकार चार पक्ष के सखीगण थे। तो बता रहे हैं कि सखी लीला रस आस्वादय सखी आस्वादिता। ये सखीगण कृष्णास्तुराज गोस्वामी बता रहे हैं कि सखीगण क्या करते हैं सारे लीला रस को आस्वादन करवाते हैं और खुद स्वयं आस्वादन करते हैं। तो ये ललिता सखी का एक गुण है। जिस समय वैष्णव के मुखारविंद श्रवण किया है जिस समय रूप गोस्वामी पाद ये राधा मुकुंद पद संग्रम धर्म बिंदु ये ललिता अष्टंगम लिख रहे हैं तो उनका किस प्रकार का लीला स्मरण हो रहा है वृंदावन रसकेली वार्ता किस प्रकार का रसकेली वार्ता को उनके हृदय में स्मरण हो रहा है उसको बता रहे हैं। ये ललिता सखी का एक काम क्या है ना देखो ललिता सखी देखो ललिता कुंड ललिता लिखा है राधिका रे आने छले कृष्ण रे मिलाए या कृष्ण रे आने छले राधिका मिलाए। तो बता रहे हैं कि ललिता सखी का एक काम है कि कृष्ण को छल वल से कैसे करके भी ले आते हैं राधा रानी से मिला दे। यद्यपि कभी कभी इनका इच्छा होता है कि मैं कृष्ण से राधा रानी को दूर कर दूँ। अभी प्रभु जी बता रहे हैं कि दुष्टे व्रजंत तनय तन सुष्ट वाम्यम कि ये कृष्ण ध्रुत है और हे कलंकिनी मां कृष्ण आप क्या करो ये जो अनुकूल भाव कृष्ण के प्रति दिखाते ना आप तुरंत झुक जाते हो और कृष्ण को देखते ही आप सारे जो पुस्तक को तोड़ देते हो सारे मान को तोड़ देते हो इसको मत तोड़ो मांग लागो आयो आप इसको बनाए रखो। तो राधा रानी बोलते हैं पता नहीं क्या हो जाता है कृष्ण मेरे सामने आते ही मुझे सारे के सारे गुस्सा मान अभिमान भूल जाता हूँ। तो ये ललिता से शिक्षा देते राधे गिरी हित सुनम शिक्षयंती मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ। क्या शिक्षा देती है कि मां दक्षिणा आप ये प्रतिकूल भाव को आचरण करो अगर आप गुस्सा नहीं कर सकते तो आप एक्टिंग तो कर सकते हो। तो इसी प्रकार आप क्या करो ना हे राधा रानी आप अपने इतना कृष्ण के सामने झुको मत। तो इस प्रकार का शिक्षा देते हैं। तो जिस समय ये रूप गोस्वामी पाद ये वृंदावन रसकेली वार्ता ये रसकेली वार्ता को मन में स्मरण करके ये जो ललिताष्टकम लिख रहे हैं तो उसमें गुरु वैष्णव बताते हैं कि एक बड़े सुंदर उसमें एक कथा आती है कि एक समय एक कृष्ण के इस प्रकार का विचार देखे कृष्ण के कृष्ण किस प्रकार राधा रानी के मिलने नहीं जाते राधा रानी को दुख देते हैं राधा रानी को मान कर देते हैं राधा रानी मान कर लेती है। तो उसी प्रकार एक समय क्या हुआ ना ये ललिता सखी बरसाने के चारों तरफ बोलती है देखो ये कृष्ण को अंदर आने मत देना। तो कृष्ण किसी ना किसी रूप में आ ही जाते हैं कभी चुड़ीहारी के रूप में कभी सखी के रूप में कभी भंडारी के रूप में कभी किसी ना किसी रूप में बरसान में प्रवेश कर जाती है। तो बेस बना करके कृष्ण बरसाने में आके राधा रानी को दर्शन देते हैं। तो एक दिन ललिता सखी रंगे हाथ कृष्ण को पकड़ के बोलने देख कृष्ण तुम बड़े ध्रुत हो तुम बड़े कपटी हो बड़े छलिया हो तुम ये क्या अपने शरीर में सखी वेश धारण करके श्यामा सखी और विभिन्न चुड़ीहारी मणिहारी पता नहीं क्या क्या रूप धारण करके तुम आ जाते हो अगर तुम्हारा हिम्मत है तो तुम एक पुरुष स्वरूप में आओ तुम एक पुरुष स्वरूप में आओ। तो इनके बीच में चैलेंज हो जाता है कृष्ण और ललिता सखी के बीच में। अब ललिता सखी बोल रहे देखो अगर तुम हार गए ना तो तुम्हारे जितने भी सखागण है और सखागण के साथ तुम्हें हमारा दास का स्वीकार करना पड़ेगा। कृष्ण बोले अगर हम जीत गए तो कृष्ण बोले हम जीत गए तो तुम लोग हमारा क्या करोगे तुम सारे के सारे सखीगण हमारे दास ही बनोगे। अब कृष्ण और ललिता सखी के बीच में इस प्रकार का क्या हो गया ना चुप्पि हो गया कौन जीतता है कौन हारता है। अब ललिता सखी भी कौन है ना जुगल प्रेम मेरे गुरु इनके बाद को सारे के सारे जो सखीगण मानते हैं राधा रानी मानते हैं तो बोलते हैं कि बरसाने के जितने भी पुरुष को सबको आज एक दिन के लिए बाहर निकाल दो कल मध्यान्ह 12 बजे तक कोई भी बरसाने में एक भी पुरुष नहीं आना चाहिए। अब जितने भी सखीगण से सारे के सारे मिल गए और मिलने के बाद पूरा बरसाना को चारों तरफ जितने भी द्वार है वो द्वार को पूरा घेर रखे हैं
पूरा बरसाना को ऐसे हाथ हाथ पकड़ करके पूरा सखीगण घेर के रखते हैं कि कृष्ण कैसे नहीं आ जाए। अब इस तरफ कृष्ण गोचरण करने गए, कृष्ण ने मधुमंगल को बताया, भाई देखो ऐसा ऐसा बात है, मैंने तो युक्ति कर लिया और मैंने चैलेंज कर रखा है, मैं अभी हार जाऊंगा। तो मधुमंगल बोल रहे हैं कि तुम तो हारोगे मारोगे, साथ में हम लोगों के लिए हरवाओगे, हम लोग भी क्या करना पड़ेगा, दास करना पड़ेगा उन लोगों का। तो देखो अब एक ही उपाय है। तो ठाकुर जी को बड़े सुंदर सुंदर रूप से मधुमंगल और ये श्रीराम सखा बोले कि श्रृंगार करेंगे, तो श्रृंगार करते थे नट ब्राह्मण के रूप में इनको कृष्ण को श्रृंगार करते थे और बड़े सुंदर रूप में उनके हाथ में कमंडल और वेद और चोली माला आदि दे के बोलते कि अभी जाओ बरसाने में, बस जल्दी चले जाओ, नहीं तो थोड़ा अगर लेट हो गया ना, मध्यान्ह समय हो गया तो फिर क्या होगा, 12 अगर बज गया मध्यान्ह के तो हम तुम जाकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। कृष्ण दूर से बरसाना को देख रहे, चारों तरफ सारे तकी सारे मंजरीगण घेर के रखे और बरसाना के सारे पुरुष को निकालते हैं, तो कैसे प्रवेश करें। तो कृष्ण जैसे ही दूर से जा रहे हैं तो बरसाना जाने तरफ, अब कृष्ण छोटे वटु ब्राह्मण के रूप में है, तो ब्राह्मण के रूप में जैसे ही चले जा रहे तो एक तकी ने रोक दिया कृष्ण को, भाई ए, आज नहीं, मध्यान्ह समय तक हे ब्राह्मण देवता आप नहीं आ सकते। अब कृष्ण सोच रहे हैं कि इस प्रकार इनका मन को आकर्षित किया जाए, तो कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण को सबको पता है कि कौन सा गोपी क्या है, किसका घर कहाँ पे, तो बोलते हैं कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, काशी से आया हूँ, भगवान सर्व विद्यमान है, कहीं से भी आ सकते, बोले मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तुम ये गोपी हो, तुम्हारे पति ये है, तुम्हारे घर ये। अब थोड़ा जैसे भविष्यवाणी करते हैं ना, सारे स्थिति का मोहित हो गए, अरे बाप रे, तो बड़े त्रिकालदर्शी, सच में ही त्रिकालदर्शी है, अरे मेरे बारे में बताओ, सब सखी हाथ दिखाने लगे। अब सब बोलने के, देखो पंडित जी मेरे हाथ देख लो, मेरे हाथ में क्या लिखा है, सब कृष्ण सब जानते हैं और कृष्ण सब सखी का भी भाव को जानते हैं, सभी भाव है, तो सारे सखी का एक एक भाव को, एक एक गुण को सबको बता रहे कि तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, तुम्हारा स्वभाव बड़े चंचल है, तुम्हारा स्वभाव बड़े शांत है, सब एक एक करके बताते जा रहे हैं। अब ये सारे के सारे गोपी मोहित हो गए। अब जैसे ही मोहित हो गए, कृष्ण को लेके फिर बरसाना के लेके एक पेड़ के नीचे बैठा दिया और सबको फल दे रहा है, कोई फूल दे रहा है, भाई मेरे हाथ देख लो। अब कृष्ण सबके हाथ देख देख कर सारे बात बता रहे हैं। अब इतने में कृष्ण को पता चला कि ये तो सब तो आ गए लेकिन ये ललिता सखी ना नहीं आएंगे कभी भी, तो ललिता सखी नहीं आएंगे, तो ये बोलने की, देखो मैंने सुना है ब्रज में तुम्हारे कोई बड़े एक किशोरी जी नाम से कोई है और मैं उनसे थोड़ा हाथ देख लूँ। तो ललिता सखी के बारे में बोल गया कि ब्रज में क्या बरसाने में एक भट्ट ब्राह्मण आए हैं और त्रिकालदर्शी है, माथे के रेखा मुंह को देखते ही बता देते हैं। तो ललिता सखी बोले, देखो हो ना हो कुछ गड़बड़ी लग रहा है, भाई तुम लोग पूरा का पूरा मध्यान्ह समय तक सारे सखी को नियुक्त कर दिया, बरसाना के रंग मुझे महल पे मतलब अंदर पे किसी को भी जाने नहीं देना। तब उसी समय कृष्ण के इस प्रकार की लीला देखेंगे, ललिता सखी जब आती है तो दूर से ही ललिता सखी को देख के कृष्ण डर रहे हैं, इतने अभी उनके मन में डर है, वो डर है ना विरोध चर्चा की, उनके जो ललिता सखी क्या करते हैं इनको लज्जित कर देते हैं, विरोहिताक्ष अपने आँख को लाल लाल करते हैं और बात भेजी इस प्रकार का कथा बोलते हैं, इस प्रकार का वो भृंगे दिखाते हैं, तो कृष्ण डर जाते हैं। तो दूर से ही डर रहे हैं लेकिन डरते हुए भी बोल रहे हैं, इज्जत का सवाल कृष्ण करना पड़ेगा, बोल रहे हैं देखो ये ललिता सखी, इसका पिता का नाम केशव और इसका जो पति है सुवल, जावट में विवाह हुआ। तो ललिता सखी ने सच में थोड़ा सा डाउट था, उसको कन्फर्म हो गया, अरे नहीं सच में त्रिकालदर्शी है, निश्चित रूप में ये त्रिकालदर्शी है। तो ललिता सखी आते हैं, प्रणाम करते हैं, भाई इस प्रकार का त्रिकालदर्शी हमने बहुत जगत में बहुत देखे हैं, अब तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम्हें देखना है तो मेरे मन में इस समय क्या चल रहा है, मेरे हृदय में इस समय क्या चल रहा है, तुम वो बात मुझे जरा बताओ। तो कृष्ण ललिता सखी के हृदय में किस प्रकार का भावना है कृष्ण जानते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं, देखो ललिता सखी आपके हृदय में एक समय ये चल रहा है कि ब्रज के कोई भी पुरुष, बरसाना के कोई भी पुरुष और सबसे बड़ा कोई काला वर्ण का कोई पुरुष श्री जी के महल के अंदर ना घुस जाए, ये आपके हृदय में चल रहा है। अब ललिता सखी को पूरा विश्वास हो गया,
कि ये तो सच में त्रिकालदर्श है। अब ललिता से भी सोच रहे हैं, ललिता से भी क्या सोच रहे हैं, राधा रानी के साथ हर समय हित की बात ही सोचती है। तो ये ललिता सखी सोच रही है कि मैं किसी ना किसी तरफ इस वटु ब्राह्मण को अगर मेरे राधा रानी के पास अगर ले जाऊं, तो राधा रानी के पास अगर ले जाऊं तो क्या होगा, कृष्ण क्या करते हैं, बड़े छल से बड़े कपटता से राधा रानी को हर समय परेशान करते रहते हैं, मानता देते हैं, राधा रानी मान कर देती है और इनका बड़ा दुख होता है मुझे ये सब देख के, राधा रानी को दुख को देख के। तो मैं क्या करता हूँ, क्या इसका पूरा का पूरा परमानेंट क्या सलूशन ये निकाल सकते हैं? तो बोलते हैं कि देखो, हमारे श्री बरसाने के एक महल में जो हमारे जो युधेश्वरी, हमारे जो क्रियेश्वरी, हमारे जो राधा रानी है, हम सबकी जो सखियों में जो सर्वश्रेष्ठ हमारे जो राधा रानी है, क्या आप उनके हाथ देख सकते हो? तो कृष्ण की इच्छा तो है, लेकिन इच्छा खत्म होने के पर भी वो थोड़ा रोम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाता, किसी को दर्शन करना है तो वो मेरे पास आएगा। अब राधा रानी बाहर निकल गए तो ललिता सखी सोच रही कि कृष्ण कहीं ना कहीं छुपे रहे होंगे और तुरंत आ जाएंगे। अब इतने समय में जैसे जैसे करके राधा रानी के पास ये मना मना करके वो ब्राह्मण को ले जाते, और जैसे ही ले जाते ललिता सखी बोले, अरे अब क्या करो, पूरा बरसाने को घेर दो, मध्यान्ह काल होने वाला है, कृष्ण कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय आता ही होगा, क्या करो, पूरा का पूरा बरसाने को घेर दो। अब इनको पता ही नहीं है कृष्ण को ही ले जा रहे। अब जैसे ही कृष्ण को ले जा रहे हैं, धीरे 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 ले जा रहे, अब ठीक मध्यान्ह का समय है, ठीक 12 बज गया, और उसी समय भटु ब्राह्मण को बोलने के अंदर जाओ। तो ये कृष्ण पीछे से देख रहे ललिता सखी को, बोले समय कितना हुआ, बोले मध्यान्ह समय, बोले मैं चले जाऊं, बोले हाँ जल्दी जाओ, अब क्या करो, आपका समय हो रहा है, अब जल्दी चले जाओ अंदर। तो कृष्ण धीरे 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 कहाँ करते हैं ना, श्री जी के मंदिर के अंदर, केदार के महल के अंदर जाते हैं, जहाँ पे बड़े श्रृंगार सामने वहाँ पे किशोरी जी बैठे हैं मान में, राधा रानी बड़े मान में दुखी होकर बैठे हैं। इस प्रकार का मान है कि कृष्ण किसी रूप में भी आ गए तो कृष्ण को पहचान नहीं पा रही, इस प्रकार का उनका मान है। तो उनका मान को देख के जब कृष्ण उस स्थान पे जाते हैं तो कृष्ण बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हें, राधा रानी तो इच्छा नहीं है, कृष्ण बोलते हैं दिखाओ हाथ देख लो। तो उस साइड में ललिता सखी भी खड़ी है, अब राधा रानी के हाथ को देखते हैं, राधा रानी को हाथ को देख के, राधा रानी को हाथ को देख के कृष्ण बता रहे हैं कि रूप गोस्वामी बात बड़े सुंदर रूप में वहां वर्णन करे, राधा रानी को हाथ को थोड़ा छेड़ देते। अब जैसे ही राधा रानी के इस प्रकार का भाव को देख, ललिता सखी बड़े गुस्से में आ जाते, अरे तुम क्या कर रहे हो, हमारे किशोरी जी को हाथ को छेड़ रहे हो, उठो तुम कहाँ के ब्राह्मण आए। तो कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण तो बात ब्रिंग में भी और भी श्रेष्ठ है, उनका जो वाणी है ना वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोल ही देंगे, बड़े चतुरता से बोलते हैं, आपके जो किशोरी जी ना उत्तप्त कांचन गोरा की इतने सुंदर है कि इनके हाथ की रेखा दिख नहीं रहे मुझे, अब मैं ठहरा बूढ़ा ब्राह्मण, अब इनके हाथ की रेखा दिखाई नहीं दे रहा, तो कैसे देखूं, हाथ को थोड़ा मोड़ मार करके देख रहा हूँ कहीं रेखा दिख जाए, रेखा दिखेगी तभी तो बोलूंगा भविष्य। तो जैसे ही हाथ को मोड़ते राधा रानी को भाव को समझ नहीं पाती, तब थोड़ा क्या करते हैं, राधा रानी के हाथ को लेके धीरे धीरे चुंबन कर देते। तो फिर से ललिता सखी बोलते हैं, अरे तुम्हारा इतना हिम्मत, अभी तो हाथ को दबा रहे थे, अब हाथ को लेके चुंबन कर रहे हो। तो कृष्ण बोल रहे हैं, देखो तब भी राधा रानी समझ नहीं पाई ये कृष्ण ही है। तो कृष्ण बोल रहे हैं, देखो ये हाथ को तो दबाया, जैसे ही रेखा दिख गया ना, और मैं वृद्ध हो गया, अब वृद्ध होने के पास मैं धीरे 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 हाथ को आंख के पास लेके आया। तो ललिता सखी बोले, चुचू शब्द कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? तो कृष्ण बता रहे हैं कि ये शब्द यहाँ से आ रहे हैं कि जैसे ही मैंने रेखा को देखा ना, इस प्रकार इनका रेखा है, तो आज तक मैंने ऐसा रेखा, हस्त रेखा किसी का भी नहीं देखा, तो मैंने बोला वाह क्या रेखा है। तो इस प्रकार का शब्द है कृष्ण बता रहे हैं एक एक करके। तो ये सारे के सारे भाव राधा रानी के सामने ही हो रहे हैं, सारे के सारे लीला राधा रानी के सामने ही हो रहे हैं, लेकिन राधा रानी इतने मान में डूबे हुए हैं, कृष्ण विरह में इतना विरहित हो रहे हैं कि उनको कृष्ण सामने भी है उनको पता नहीं चल रहा है। उसके पश्चात ये ललिता सखी ने बोल रहे, हाथ में क्या दिखा बताओ, हाथ में क्या दिखा, तो रेखा दिख गया, अब आश्चर्य भी हो गए, बोलो हाथ में क्या दिखा। तो ललिता सखी को बात को सुन के कृष्ण बोल रहे हैं कि जिस कार्य के लिए है ललिता सखी, ये राधा रानी विरह है,
और कुछ देर में उनका विरह समाप्त होने वाला है। ललिता जी बोलते हैं बताओ कैसे समाप्त होगा। तो कृष्ण बोलते हैं कि देखो कृष्ण जब अगर इस समय पे यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे ना, ये तुरंत ही विरह खत्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं कृष्ण इस स्थान पे उपस्थित हो ही चुके हैं। तब ललिता सखी सोचने लगी कहीं ये तो कृष्ण नहीं है, ये तो कृष्ण नहीं है। तब सारे सखीगण बोलते हैं बताओ कृष्ण कहाँ पे उपस्थित है। तो कृष्ण अपने जो बड़े ब्राह्मण स्वरूप को हटा दिया, अपने झोली वोली हटा दिया, उतारा, देख ललिता सखी मैं ही वही कृष्ण हूँ, मैं ही वही कृष्ण यहाँ पे तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो बता रहे हैं कि देखो अब तुम्हारे चैलेंज के शर्त के अनुसार तुम्हारे जितने भी सखी हमारे दास बनोगे। तो ललिता सखी बोल रहे हैं कि बात भेंगे अपने वाणी के द्वारा और अपने आंखें के द्वारा इतना जोर से उनको क्रोधित होते हुए देखती है ललिता सखी। तो कृष्ण डर जाते हैं और ललिता सखी बोल रहे हैं अरे छलिया तुमने छल पूर्वक आया, अपने स्वरूप में थोड़ी ना आया तुमने, इसलिए ना तुम जीते ना हम जीते, दोनों के दोनों पक्ष बराबर हो गया, कोई नहीं जीता। तो इसमें से रूप गोस्वामी पार्थिव गुरु वर्ग इसमें विशेष करके बताते हैं कि ललिता सखी का एक स्वभाव भी इस प्रकार का है कि क्या करते हैं हर समय युगल को मिलन करते हैं, ये चाहे भी तो मिलन करवाएंगे और नहीं चाहते हैं तो ललिता सखी के माध्यम से ही युगल का मिलन होता है। देखो ललिता सखी ललिता था राधिका रे आने चले कृष्ण रे मिला है, कृष्ण रे आने चले राधिका रे मिला है। तो ये जो ललिता सखी ये निकुंज में तो सेवा करते हैं बड़े सुंदर सुंदर रूप में, राधा कृष्ण का भाव सखी जुगल प्रेम गुरु, ये युगल प्रेम का गुरु है और इनके हृदय में राधा कृष्ण का सारे लीला उद्दीपक सृष्टि हो जाता है। पहले से ही राधा कृष्ण किस लीला में प्रवेश करने वाले हैं और किस लीला राधा कृष्ण को कृष्ण किस वस्त्र को धारण करेंगे तो राधा रानी देख के प्रसन्न होंगे, कृष्ण के श्रृंगार कृष्ण की सेवा के सारे जो उद्दीपक सृष्टि तो लीला का सारे भावना सबसे पहले ललिता सखी के हृदय में वो सृष्टि हो जाता है। वो अपने आप एक स्वभाव है जो ललिता सखी सबसे पहले जान लेती है। तो बता रहे हैं कि ये तो नित्य धाम में जानते हैं लेकिन ललिता सखी इस जगत में नहीं आए कि ऐसे ऐसे सेवा करने की, लेकिन श्रीमद महाप्रभु के समय पे इधर स्वरूप दामोदर गोस्वामी बन गए ललिता सखी जब आती है तब एक एक भाव को श्रीमद महाप्रभु को आस्वादन करवा रहे हैं, एक एक भाव को श्रीमद महाप्रभु गंभीरा में रह के उसी भाव को जब स्मरण करते हैं तब ये ललिता सखी ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी अपने एक एक कर्चा लिख रहे हैं और कर्चा में एक एक श्लोक में एक एक महिमा को एक एक भाव को आस्वादन करवा रहे हैं कि हमारा किस प्रकार का भाव है, हमारा किस प्रकार हम ललिता सखी के अयोग्य की करें और ललिता सखी के गण में हम रूप गोस्वामी के अनुगत्य में हम किस प्रकार का भजन करें और इस भाव को आस्वादन कर पाए। और गुरुवर्ग गुरुपाद पद्म परम गुरुदेव वर्ग भी नहीं होते तो उस विशेष करके धारा को भी हम विशेष करके नहीं जान पाते। तो ये सब प्रार्थना है कि आज ललिता सखी सप्तमी है गुरुपाद धर्म के सन्निध्य किस प्रकार निकुंज में सेवा को प्राप्त हो, कभी हमारे हृदय में भी वो भावना कभी किसी ना किसी जन्म में किसी ना किसी भाव में वो एक बस भावना स्पर्श ही हो। ये सब प्रार्थना एक बार पाँच छः लोगों की उपवास Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरि ओम हरि ओम।